करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दशीष अवस्थी जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद टेन एम डेली सीरीज तो का 95 है। और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एट मार्क्स तो देखते हैं आज कौन कौन हमारा कट ऑफ क्लियर कर पाता है सो लेट स्टार्ट विद द टू सीरीज ओके okay. तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा नाइन्टी फोर्थ लेक्चर था मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक करेक्शन था वो मैं आप इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ नाइन्टी फोर्थ लेक्चर का क्वेश्चन नंबर एट्थ जो था उसका करेक्शन ये था मैंने उस टाइम पर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक रिपोर्ट मैंने पूछी थी दट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट ट्वेंटी इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर चार ऑप्शन मैंने दिए थे दैट इज आई नर्सिंग नाउ कैंपेन डब्ल्यू या ऑल ऑफ द अबव और मैंने आंसर वहां पर डब्ल्यू एच ओ बता दिया था याद रखिएगा ऑफ कोर्स मेन बॉडी डब्ल्यू एच ओ है बट याद रखिएगा इसके साथ जो पार्टिसिपेट करती है वो नर्सिंग नाउ कैंपेन एंड इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज भी है तो मतलब ये तीनों मिलके ही उस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव ठीक है तो इसको पिछले प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन कराए थे नाइन्टी फोर्थ लेक्चर में उसमें करेक्शन कर लीजिएगा वो है क्वेश्चन नंबर एट ओके तो चलिए आज की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है

और ये डैम जो है वो बता दूं मैं आपको तिब्बत में लोकेटेड है और तिब्बत में किस रिवर पर लोकेटेड है अफकोर्स इंडिया से पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र रिवर पर ठीक है तो ये जो डैम है याद रखिएगा दैट इज uh, जांगबू डैम ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है बट तिब्बत में कंस्ट्रक्टेड है ठीक है बट ऑफकोर्स आपको पता है तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना ओनली तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज चाइना ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्टिक था यह या आपको याद रखना है सेकेंड क्वेश्चन भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस uh, लेक्चर में ही मैंने आपको कुछ एलिफेंट रिजर्व बोले थे कि आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एलिफेंट रिजर्व न्यूज में है तो प्रीवियस जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी को लेते हुए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है याद रखिएगा देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मैंने पूछा है एक्चुअली एक देहिंग पटकई एक एलिफेंट रिजर्व भी है तो दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस ठीक है तो याद रखिएगा वही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पर एक टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है तो पूछा गया इसकी लोकेशन कहा है तो यार टाइगर रिजर्व सॉरी एलिफेंट रिजर्व जो है वो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया भी था केरल की वजह से न्यूज में है ठीक है तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसको ऑप्शन है अरुणाचल राजस्थान असम एंड मेघालय तो रखिएगा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे एक टाइगर रिजर्व सॉरी यहां पर एक, एक एलिफेंट रिजर्व भी है तो करेक्ट आंसर दैट इज सी असम ठीक है नहीं पता था आपको एलिफेंट रिजर्व जरूर याद कर लीजिए आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा रिमेंबर तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज असम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल करंट अफेयर्स की न्यूज में ये क्वेश्चन

एशिया साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट 2020 तो क्वेश्चन पर ये पूछा गया है, कि ये जो है इसको पब्लिश या इसको रिलीज कौन करता है ऑप्शंस आपके सामने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ और ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन दैट इज आपको पता होगा सार्क और फोर्थ है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पेसिफिक तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये साउथ एशिया से रिलेटेड है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है बट ऐसा कुछ नहीं है इसका करेक्ट आंसर जो है इस बार एग्जाम में तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसका करेक्ट आंसर दैट इज वर्ल्ड बैंक ठीक है इस रिपोर्ट ने यह पॉइंट भी बताया है कि क्या इंप, इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इन साउथ एशिया ओके तो ये आपको याद रखना है ये रिपोर्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी आपसे युक्ति वेब पोर्टल ठीक है एकदम यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, है। युक्ति वेब पोर्टल जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है तो इससे इससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट पॉइंट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है चार स्टेटमेंट मतलब एक करेक्ट आंसर है अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया युक्ति पोर्टल किससे रिलेटेड है तो आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ठीक है पहला ऑप्शन है कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन आरबीआई दूसरा ऑप्शन है कि सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉपर्टीज अप फॉर ई ऑप्शन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक थर्ड है नेशनल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो अभी आजकल न्यूज में है होस्टिंग 1900 हंड्रेड कोर्सेज फॉर बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन या फोर्थ है एक यूनिक पोर्टल है जो मॉनिटर और रिकॉर्ड करेगा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ एच अब तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी विच हैजीन टेकन इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस ठीक है तो दीज द फोर ऑप्शन आपको पता है युक्ति पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड है नहीं सुना था कोई बात नहीं अब आप याद यूनिक पोर्टल है जो रिकॉर्ड करेगा कि क्या इनिशिएटिव्स लिए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस तो याद रखिए युक्ति पोर्टल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एच ओके तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में, में, में यह भी इंपॉर्टेंट है पूछा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी न्यूज में रहती है आपको पता होगा अभी एक रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन करके वो रिजाइन कर दिया उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस रिसेंटली इलेक्शन कमीशन रिजाइन कर दिया और नए जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए उनका नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन से और पूछा गया कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मतलब रॉन्ग है पहला स्टेटमेंट है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ठीक है वो याद रखिएगा उसके पास सुप्रिंटेंडेंस ऑफ पंचायत इलेक्शन के पास पासेंडेंस ऑफ मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूं स्टेट इलेक्शन कमीशन इनकरेक्ट है पहला स्टेटमेंट है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट टू ने पावर दिया है सुप्रिंटेंडेंस ऑफ पंचायत इलेक्शन थ स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी और किस अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया एक्ट ओके है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा ओके okay? उसको रिमूव करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय स्पेशल मेजोरिटी दीज आर द टू स्टेटमेंट ठीक है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये बताना है पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट आपको पता होगा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको रिमूव किया जाता है जस्ट लाइक अ हाईकोर्ट जजेस रिमूव्ड ओके okay, और हाई कोर्ट जज किस तरह रिमूव होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने पॉलिटिक लेक्चर्स में जिनको ये टॉपिक नहीं पता है किस तरह रिमूव होता है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पर पॉलिटिक सीरीज हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी अपडेटेड अपलोड किए वहां पर आपको यह हेल्प मिल जाएगी तो यह स्टेटमेंट गलत है याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं है हाईकोर्ट का जज जिस तरह रिमूव होता है उस तरह ही याद रखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रिमूव होगा तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है रिमेंबर पंचायत के इलेक्शन आपको पता होगा आर्टिकल नंबर टू के बारे में आपको पता होगा 243k.

टू ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक ऑपरेशन संजीवनी पूछा गया है अप्रैल में ये ऑपरेशन न्यूज में भी था अप्रैल 2020 में तो इंडिया ने किस कंट्री के लिए ऑपरेशन संजीवनी ऑपरेट किया है और क्या है ये ऑपरेशन ऑपरेशन ऑप्शन है मॉरिशस के लिए मालदीव थाईलैंड या श्रीलंका क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन संजीवनी चलाया जिसमें लिफ्ट किया गया, गया 6.2 टन ऑफ क्रिटिकल मेडिसिन याद आपको पता हो कोरोना वायरस चल रहा है तो मेडिकल सप्लाईज की गई है किसको दैट इज मालदीव्स को, को जिसका ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन संजीवनी ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, seventh, ये भी इंपॉर्टेंट है बीआरओ की बात करते हैं याद रखिएगा हंगपन याद रखिए हंगपन दादा ब्रिज याद रखिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूं आ, हंगपन दादा ब्रिज ये एक ब्रिज है जो कि अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है एक्चुअली आपको ये नाम मैं बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सोल्जर थे जिनकी डेथ हो गई जिनका जो मैट्रेड हुए हैं यानी कि मैटर्ड हुए हैं कहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है तो याद रखिएगा उनके मैटर्ड होने की वजह से ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है हंगपन दादा ब्रिज ठीक है तो पूछा गया ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रिज है ठीक है किस रिवर में कंस्ट्रक्ट किया गया है ठीक है ऑप्शन है रिवर लोहित रिवर कामेंग रिवर सेंग या रिवर दीज आर द फोर रिवर्स आपने सारी रिवर्स सुनी होंगी जो आपने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होंगी इंपॉर्टेंट uh, रिवर है याद रखिए इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज रिवर सुबनश्री ठीक है अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी एट प्रेजेंट जो अरुणाचल प्रदेश है उसके सीएम का नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में तो आप मुझे अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है थीके? तो ये ये जो ब्रिज है ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में हैं यहां पर ग्लोबल इंडेक्स इज जीटीआई ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स 2019 जो है उससे रिलेटेड टू स्टेटमेंट दिए गए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछे गए कौन से से करेक्ट है ठीक है पहला स्टेटमेंट है ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट याद रखिएगा पूछा गया इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म, मतलब इंपैक्ट जो टेररिज्म का है उसके हिसाब से इंडिया की रैंक सेवेंथ है तो ये बुरी न्यूज है इंडिया की रैंक सेवेंथ है अकॉर्डिंग टू दिस क्या ये बात सही है कि नहीं पहले तो ये पता होना चाहिए तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स करेक्ट ऑप्शन है आ, मतलब करेक्ट आंसर वन टू बोथ या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है अगर आपने पहली बार सुना है ग्लोबल गुल, गुल, टेररिज्म इंडेक्स कोई दिक्कत नहीं अब आप याद कर लिए न्यूज में था ये इंडेक्स इसको पब्लिश ये नहीं करती है याद रखिए कि स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश नहीं करती है आपके दिमाग में कौन पब्लिश करता है वही मैं आपको बताता हूं याद रखिएगा और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इंडिया की जो रैंक है वो सेवेंथ रैंक है इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म तो ये गलत बात है इस पर बहुत क्वेश्चन मार्क भी उठा कि किसने किस तरह इवैल्यूएट किया है क्योंकि तो इंडिया अगर सेवंथ रैंक पर है टेरिज्म के इंपैक्ट से तो एक अनसेफ कंट्री हो गई अफकोर्स पाकिस्तान भी है इंडिया से ज्यादा रैंक उसकी है बट स्टिल इंडिया की रैंक सेवन्थ रैंक पे क्वेश्चन मार्के बट स्टिल अभी इस टेर्रिज्म इंडेक्स के हिसाब से तो ये सेकंड पॉइंट सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसे पब्लिश कौन करता है तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस दैट इज आई ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो ये ग्लोबल टेरिज्म इंडेक्स पब्लिश करता है और उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है 7th rank

कि क्वेश्चन ये है कि कोर्स इन तीनों मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना है आपको मुझे ये बताना है पॉइंट में कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है आज इसका प्रेजेंट नेम क्या है क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं आपको मुझे बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ठीक है जो बाकी स्टेप में बोलता है उसको आप अभी भूल जाइए ठीक है चलिए करेक्ट आंसर आपको बताना है ठीक है यहां पर तो आंसर बी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ और जाते साइंस का क्वेश्चन है याद रखिएगा रखेगा याद रखिएगा एंथोमोलॉजी की अगर बात करें तो इज द साइंस दैट स्टडीज ये किसकी स्टडी करते हैं ठीक है थीके? तो याद रखिएगा एंथोमोलॉजी की बात करें किसकी स्टडी करते हैं साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए आसान होगा ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स के लिए इंसेक्ट के लिए टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स के लिए रॉक्स की स्टडी के लिए तो इजी क्वेश्चन है इससे पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं इसको नॉलेज भी याद कर लीजिए करेक्ट आंसर दैट इज़ इंसेक्ट्स है ठीक है तो यह स्टैटिक क्वेश्चन था नहीं पता है कोई बात नहीं ठीक है तो यहां पर हमारी सीरीज कंप्लीट होती है जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप जरूर लाइक कर सकते हैं हमारे प्ले को विजिट कर सकते हैं आपको अदर चीज़ें भी मिलेंगी हमारा हिंदू ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर्स चल रहे हैं टेन ए एम सीरीज़ चल रही है नाइन ए एम सीरीज चल रही इन इन सबकी पी डी एफ हिंदू न्यूज़ पेपर ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहां पर भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ आप इससे यहां से भी नोट no डाउन कर सकते हैं ओके okay? अगर कोई किसी को डाउट क्वेरीज है तो डाउट क्वेरीज भी कमेंट बॉक्स में कर सकता है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछे उनको जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए थैंक यू